जब हम पृथ्वी से क्रैब नेबुला को देखते हैं तो असल में वक्त से काफी पीछे देख रहे होते हैं। क्रैब नेबुला कभी बहुत बड़ा तारा था, सूर्य से 10 गुना ज्यादा मास वाला। फिर विस्फोट होने के बाद ये सुपरनोवा बन गया। इसका बीच का हिस्सा एक पल्सर यानी पुच्छल तारा है। सिकुड़कर किसी शहर के आकार का हो चुका ये तारा 1 सेकंड में 30 बार घूमता है